कहा जाता है कि लाइटनिंग नेवर स्ट्राइक्स द सेम प्लेस ट्वाइस। अब इस मिथ का ओरिजिन कहां से हुआ ये तो मुझे नहीं पता, मगर मैं आपको एक ऐसी जगह के बारे में जरूर बता सकता हूं जहां इतनी ज्यादा लाइटनिंग देखने को मिलती है कि लोग दूर दूर से ये नजारा देखने आते हैं। एक ऐसी जगह जहां पूरे अंधेरे में भी सब कुछ साफ साफ नजर आता है, थैंक्स टू द ब्राइट एंड फ्रीक्वेंट लाइटनिंग। आज हम चलेंगे वेनेजुएला, जहां देखेंगे एक ऐसा फिनोमिनन जो दुनिया में कहीं और नहीं देखा जा सकता और जिसका नाम है कैटाटंबो लाइटनिंग और द एवरलास्टिंग स्टॉर्म। तो चलिए आपको बताते हैं इस खूबसूरत जगह और इस फैसिनेटिंग फिनोमिनन के बारे में। कोलंबिया से ओरिजिनेट होकर वेनेजुएला से गुजरती है एक नदी जिसका नाम है कैटाटंबो रिवर। अब ये तो आप सब लोग जानते ही होंगे कि नदियां अक्सर समुद्र या महासागर में मिलके खत्म हो जाती हैं, मगर कैटाटंबो रिवर आकर मिलती है वेनेजुएला के मैराकाइबो लेक में और ये जाके मिलती है कैरेबियन सी में, और ये रिवर आकर लेक में मिलती है तो वहां होता है एक ऐसा अजूबा जो आपको कहीं और नजर नहीं आएगा। For almost 160 days of the year, an hour or two after the sun sets, the sky lights up with strong and bright lightning strikes all over the Kattatambo River. And for the next 9 to 10 hours, the whole place is transformed into a spectacle that is scary and spellbinding at the same time. Ye lightning strikes strong to hoti hi hai, magar sabse amazing baat hai in lightning's ki frequency. On an average, इन लाइटनिंग स्ट्राइक्स की फ्रीक्वेंसी करीब 30 टाइम्स पर मिनट होती है, मगर कभी कभी ये बढ़कर 60 टाइम्स भी हो जाती है। इमेजिन लाइटनिंग स्ट्राइक्स एवरी सिंगल सेकंड। और ये लाइटनिंग स्ट्राइक्स इतनी ब्राइट होती हैं कि 400 किलोमीटर दूर से भी नजर आती हैं। अमेजिंग राइट? और ऐसा नहीं है कि ये कोई नया फिनोमिनन है। डू यू नो दैट लेक मैराकाइबो एक्चुअली दुनिया के सबसे पुरानी लेक्स में से है और इसकी उम्र करीब 36 मिलियन ईयर्स है। कहा जाता है कि जब सेलर्स को मैराकाइबो पहुंचना होता था तो ये लाइटनिंग स्ट्राइक्स एक बीकन का काम करती थी और सेलर्स को राह दिखाती थी। 1598 में इंग्लिश एक्सप्लोरर सर फ्रांसिस ड्रेक दुनिया के कोने कोने में जाकर ट्रेड और वायलेंस की मदद से अपने खजाने भर रहे थे। ऐसे में उनकी नजर पड़ी मैराकाइबो पर और उन्होंने चुपके से रात को अपनी पूरी फ्लीट के साथ मैराकाइबो शहर पर अटैक करने का प्लान बनाया, मगर इन लाइटनिंग स्ट्राइक्स की वजह से फ्रांसिस ड्रेक की शिप्स दूर से ही नजर आने लगी और उन्हें अपना अटैक प्लान कैंसिल करना पड़ा। एक वक्त था जब इस एरिया के नेटिव वाडी ट्राइब्स मानते थे कि ये लाइटनिंग हजारों लाखों फायरफ्लाइज की भगवान को एक भेंट है, बट साइंस टेल्स अस that just like any other kind of lightning occurring anywhere in the world, this phenomenon is also a result of electric charges building up between clouds and the surface of the earth or between the clouds themselves. Magar Kattatambo lightning ko khas banati hai us jagah ki geography. Kattatambo river jaakar milti hai Maracaibo lake mein aur is pure area ko almost her side se cover karte hain Andes mountains aur ek side se Caribbean sea. कैरेबियन सी से गर्म हवा और एंडीज माउंटेन से ठंडी हवा दोनों आकर इस जगह मिलती हैं और पैदा होते हैं थंडर क्लाउड्स, जिनकी वजह से होती है लाइटनिंग। नाउ सो मेनी लाइटनिंग स्ट्राइक्स ओवर अ स्मॉल एरिया कैन बी क्वाइट डेंजरस। क्या आप जानते हैं कि इतनी लाइटनिंग की वजह से हवा का टेम्परेचर बढ़कर 30,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है? यस, 30,000 डिग्रीज, विच इज अबाउट 3 to 4 टाइम्स द टेम्परेचर ऑफ द सर्फेस ऑफ द सन। मगर थैंकफुली ये सारी लाइटनिंग स्ट्राइक्स मोस्टली मैराकाइबो लेक के ऊपर होती हैं और इसकी वजह से लोकल्स की जान को ज्यादा खतरा नहीं होता। कैटाटंबो लाइटनिंग स्ट्राइक्स जहां एक तरफ एक खूबसूरत नजारा है, वहीं इस फिनोमिनन से एक बहुत इंटरेस्टिंग बाय प्रोडक्ट निकलता है। अर्थ के एटमोस्फेयर में मौजूद ओजोन गैस के बारे में तो हम सब जानते ही हैं। ये ओजोन लेयर सूरज से आने वाले हार्मफुल यूवी रेज को अर्थ के सरफेस तक पहुंचने से रोकता है। What is amazing is that the Kattatambo lightning strikes over this area create extreme heat, which produces nitrogen oxides, which in turn produce ozone. And it is the largest natural source of ozone known to man. Even though this ozone is a great resource, but unfortunately it's not enough to reach the upper atmosphere.
लेक मैराकाइबो के आसपास रहने वालों के लिए ये लाइटनिंग स्ट्राइक्स काफी कॉमन है, मगर दुनिया भर से आने वाले टूरिस्ट के लिए आज भी ये एक ब्रेथ टेकिंग व्यू है। एंड विटनेसिंग दिस मैग्निफिसेंट मिस्ट्री शुड डेफिनेटली बी ऑन एवरीवन्स बकेट लिस्ट, राइट? ऐसी ही एक फैसिनेटिंग और माइंड बॉगलिंग जियोग्राफिकल मिस्ट्री के साथ हम वापस आएंगे, मगर तब तक आप खेलते रहिए माइंड वॉर्स ओनली ऑन Z5। Want to be the first to know of the videos on the Mind Wars YouTube channel? Hit subscribe and click the bell icon. And remember, knowledge increases when you share it. So like, share and tell your friends about the video.